अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स सिस्टर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स डेली देखते होंगे। सो अभी सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और अभी सूरज भी निकल आया है और इस वक्त का भी ये मौसम है। मिशायमन डिश में अपना विंटर वेकेशन होमवर्क कर रही है इस वक्त, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं भी आई हुई थी छत पर, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको सुबह सुबह का व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का हो रहा है। मैंने तो सोचा था बिल्कुल सुबह से दिखाऊंगी, लेकिन उस वक्त मुझे सर्दी लग रही थी। जिस वक्त नमाज़ पढ़ी थी, मैंने सोचा था उस वक्त आपको दिखाती हूँ कि कैसा, मतलब सुबह सुबह ज़रा ज़रा अंधेरा है। वो भी मैं किसी दिन कैप्चर करूँगी कि अंधेरा होगा, जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक मैं व्लॉग को स्टार्ट ही रखूँगी और फिर देखेंगे किस तरह का लगता है। तो ये भी मेरा एक टास्क है, ये मैं अपनी इन्विटेशंस में करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं नीचे और आप लोगों को दिखाती हूँ शायमा डिश में क्या करनी। लेकिन नीचे जाने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैसे वो आप लोगों को वो वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे बताएं कोई पहाड़ है। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है कि वहाँ पर दो पहाड़ आपको विजिबल होंगे, तो अगर आपको विजिबल है तो जल्दी से कॉमेंट करो। ये आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से मैं आप लोग देखें और फिर कॉमेंट करें। कंप्लीट हो चुका है और बाहर बहुत मज़े का मौसम हो चुका है, मतलब धूप ख़त्म हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश लगेगी। और मैं दुआ करी कि बारिश लग जाए, इतना अरसा हो गया कि बारिश नहीं लगी। बारिश लगेगी ज़रा ज़्यादा सर्दी होगी और मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा डस्ट है बारिश ना होने की वजह से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम कैसा हो रहा है। सो गाइस, बारिश तो नहीं लगी और मैं हम लोगों ने बाथ वगैरह भी ले लिया था और ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, आज फ्राइडे भी था और आज हमें मदरसे भी नहीं जाना, इसलिए हम लोग अभी आराम से बैठे हुए थे अंदर। तो मैंने सोचा व्लॉग को भी कंटिन्यू करना है, तो अभी हम खाना वगैरह खाएंगे। और बारिश अभी तक नहीं लगी और बस मौसम ऐसा ही है, क्लाउड्स हैं लेकिन बारिश नहीं है। तो अभी खाना खाते हैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हवा भी चल रही है बाहर। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, सुबह की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अभी मैं जब उठी हूँ तो अभी हो रहे हैं 8:24 और बाहर इस तरह का मौसम है जैसे कि अभी बारिश लगेगी। तो लग रहा है कि बारिश लग जाए, क्योंकि इतना अरसा हो गया कि बारिश नहीं लगी और डस्ट हो गया बारिश ना होने की वजह से। और अभी ये मुझे बहुत मज़ेदार लगे कि क्लाउड्स में से सन अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। खत्म हो चुका है और अभी हम लोगों का प्लेइंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, मतलब फ्री टाइम है। तो अभी तक बारिश बिल्कुल भी नहीं लगी और अभी हम लोग, मैं सोच रही हूँ कि कोई चैलेंज करते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा चैलेंज करना है आज। सो गाइस, अभी हम चैलेंज करने वाले इस गन के साथ, ठीक है। इसमें ये बॉल्स हैं और इस गन के अंदर यहाँ पे हमने इनको डालना है और इनको ऐसे मारना है। तो ये हम लोग अभी रूम में, क्योंकि बाहर ज़्यादा सर्दी है इसलिए हम रूम में चैलेंज करेंगे, इसलिए हमने पीछे वो कुशन्स रख दिए ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। तो अभी हम लोग ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्न इश्मिल की, अभी इश्मिल
इसमें बॉल डाल दिया, ठीक है, इतना करीब से नहीं, इसमें जोर से पीछे करें, चलो इधर से करें। ओहो अब मेरी 0.2 है, ठीक है, ये इसमें क्या था, इसमें कोई नहीं है जो बॉल यूज करना चाहो जो कलर, ठीक है। 1.2 शाइन का हो गया। ये इस तरह की गन है, इसको अंदर मुझे भी डालने नहीं आता। ऐसे करते हैं पीछे वाली तरफ और ये पीछे हो जाती है और इसके अंदर ये बॉल चला जाती, ठीक है। अब है इसमें फिर से डालने, इनको सही करो, इनको स्ट्रेट करना है पहले। इसमें क्या हो गया आपका, पहले इनको स्ट्रेट करो, जब मैं रेडी बोलूँगी तब रेडी। 1, 2, 3 स्टार्ट। ओ वाह, 1 पॉइंट इश्मिल का, 1 पॉइंट विशाल का। बॉल देखने स्टार्ट नहीं बोला था। नहीं, दिस इज चीटिंग। सो अभी इश्मिल की बारी है फिर से। टू पॉइंट्स इश्मिल के और 1 पॉइंट विशाल का है ना। यस ठीक है, चलो अभी ये सही करो। दूसरा चल रहा है, इसमें अब आपकी टर्न है, ठीक है। इससे ग्रीन कलर की डाल, ये वाला बॉल नहीं यूज किया आप लोगों ने, ये वाला डाल लेते हैं। थ्री पॉइंट इसमें के, 1 पॉइंट विशाल का है। टू पॉइंट विशाल के, 3 इसमें के। फोर पॉइंट्स में शाइन के, 5 इश्मिल के। ये गन इस्तेमाल से होती नहीं है, बार बार ऐसे होती है क्योंकि इसको पीछे पुश करना पड़ता है। पुश। ओह 6 पॉइंट्स मेरे कितने हैं, 4। सो अभी मिशाइन की बारी है, ठीक है, ये लास्ट राउंड है, ठीक है। वाह, तो मिशाइन के हुए 5 और इश्मिल के हुए 6 तो दोनों के इक्वल ही हुए ना, मतलब राउंड इक्वल ही हुआ। तो लास्ट में एक सीधा करो, एक में ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद चैलेंज कंप्लीट।
मेरी जगह अपनी करेगी ताकि मेरा एक बन जाए। ठीक है, ये लो इसको सही कर दो। वो वाली शोर आप करें, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये मेरी भी आपकी कर रही है, मेरे लिए। नहीं नहीं, एक और चांस देते हैं आप भी। अब सही कर। मेरे भी सही सो चैलेंज कंप्लीट। तो गाइस, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और अभी हम पढ़ेंगे जोहर की नमाज। सो गाइस, अभी शाम हो चुकी है और मदरसे से हम लोग वापस आ चुके हैं और बादल जा चुके हैं और अब मौसम बिल्कुल सही हो चुका है और बारिश तो नहीं लगी। कैमरे में ये लग रहा होगा ग्रे, लेकिन ये है ब्लू ब्लू और वो सामने तो ऑरेंज। ठीक है, वो ऑरेंज लग रहा है ऐसे पीच पीच सा। ये जो क्लाउड्स है ये पीच पीच लग रहे हैं और बाकी ये स्काई तो ब्लू लग रहा है। ठीक है, और असर की नमाज़ वगैरह भी हमने पढ़ ली। अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान होगी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। सो गाइस, अभी हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और उसकी रेसिपी या जैसे हम बनाएंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी रात का टाइम हो चुका है और वो सामने जो है वो स्टार्स नहीं बल्कि ये हाउसेस हैं जो मैं आपको शाम को दिखाए थे, ये वो हैं हाउसेस। और अभी इनमें लाइट लग चुकी है तो इसलिए ये आपको स्टार्स टाइप दिखेंगे, लेकिन ये हाउसेस हैं। और वहाँ जो ऑरेंज लाइट है तो वहाँ पर हमारे घर के थोड़ा सा दूर व उस साइड पर है जेल। ठीक है, और वहाँ पर ये ऑरेंज लाइट लगी हुई होती है तो इस वक्त ये इस तरह नज़र आती है। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।